आप इसे बंद करो मेहरबानी करके। क्या नाम आपका? शकील नाम है मेरा। वो अच्छी खासी नमाज पढ़ रहा है वहाँ पर, और यहाँ जब थर्सडे में बाजार लगता है उसको पुलिस वालों को नजर नहीं आता, वो साइड में नमाज पढ़ता है, उसके टक्कर मार दी। इस रोड पर ही नमाज पढ़ रहे थे, ये पूरा रोड पढ़ रहे थे यहीं पर इसी लाइन में, अंदर में पढ़ रहे थे, वो पुलिस वाले आए लात घुसैन सब मारे। अगर एक्शन लेना चाहिए था नमाज के बाद भी ले सकते थे पुलिस वाले ने, मगर एक्शन नहीं लिया गया, तुरंत मारना शुरू कर दिया। कौन सी यही जगह थी? बिल्कुल गेट के पास, और पूरी जगह भी नहीं गिरी हुई थी, बस तीन चार सफ़े थी, और इन्होंने इतनी बोल के कि यहाँ तक रोड घेर रखा है, जबकि ट्रैफिक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे चार लड़के खड़े हुए थे ट्रैफिक को निकालने के लिए। हम 30 साल से रहते हैं यहाँ पे माशाल्लाह, पहले ये दोनों रोड बंद होते थे, पहले बंद होते थे, परमिशन थी हमारे पे। उनके दिल में पता नहीं क्या था, आते लात वात, 2 मिनट की नमाज होती है, उसके बाद हमें समझाते, एक्शन लेते। उन्होंने नमाज पढ़ते में गलत करा, हम अल्लाह से लो लगा रखी हमने, वो नमाज पढ़ते में लात मार रहा है, बताओ कैसा होगा। अगर हम ये रोड जाम नहीं करते तो इस पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हैं न्यूज टैंक। न्यूज टैंक की टीम इससे मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, उस जगह पर जो वीडियो कल से वायरल हो रही है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर। न्यूज चैनल पर आपने इसी जगह की तस्वीरें देखी होंगी। आपको दिखाएं कि ये बोर्ड जो आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, ये नीले कलर का बोर्ड रिंग रोड, जिस पर लिखा हुआ है 30,000 सजादा बाग, ये रोड आपको उस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, जिस वीडियो में एक पुलिसकर्मी जो है नमाज पढ़ रहे लोगों को जो है वो लात मारता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो वीडियो जब सोशल मीडिया पर आई तो उसकी क्लिप वायरल हो गई, लगातार जो है उसको सस्पेंड करने की मांग उठी, और कुछ ही घंटों के अंदर अंदर वो पुलिसकर्मी जो है वो सस्पेंड भी हो गया। यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने भारी जो है वो विरोध प्रदर्शन किया। आज भी लोग ये लगातार ये कह रहे हैं कि उस पुलिस वाले के ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, ना सिर्फ सस्पेंशन से काम चलेगा बल्कि उसके खिलाफ जो है कड़े कदम उठाने चाहिए। अब आपको दिखाने की अगर कोशिश करें कि ये वो रोड है, इस रोड पर ही वो नमाज पढ़ी जा रही थी कल जब जिस समय ये वीडियो बनी, और ये पूरी जगह है। आप लोग यहाँ पर थे क्या? क्या नाम आपका? मेरा नाम अल्फाज है। अल्फाज भाई, आपने कल देखा था क्या कल यहाँ पर? कल मैंने था तो नहीं यहाँ पर, मैंने वीडियो में देखा था कि यहाँ पर पुलिस वाले ने लात मारी थी। अच्छा, हाँ। लोग लगभग यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं? यहाँ पर तो लगभग थे, ज्यादा तादाद में 70-80 इस लाइन में थे, बाकी अंदर में पढ़ रहे थे, बाकी जो भी पढ़ रहे थे। इस रोड पर ही नमाज पढ़ रहे थे? ये पूरा रोड पढ़ रहे थे यहीं पर इसी लाइन में, अंदर में पढ़ रहे थे, वो पुलिस वाले आए लात घुसैन सब मारे। कल ये वीडियो सिर्फ मतलब कल की ये बात है या फिर हर शुक्रवार ही होता है? ये कल की बात है वैसे। मतलब ये होता है कि थोड़ा तमीज से हरकत होना चाहिए, धार्मिक स्थल है, सही जगह है, नमाज पढ़े, कोई गलती से आ गया। इसके ऊपर मुद्दा ये है राजनीति, इससे कोई करवाया गया है ताकि ये 2024 का चुनाव सामने आ रहा है, ये करवाया गया ताकि हिंदू मुसलमान का लड़ाई हुए, ये एक राजनीतिक है। तो इससे फायदा किसको होगा फिर? इससे फायदा किसी को नहीं होगा, ये हमारा देश का नुकसान है, और बस आपस में लड़ेंगे झड़ेंगे, इससे कुछ फायदा नहीं। इस पर इसको सस्पेंड नहीं, सीधा रेस्टिकेट करो, हमेशा के लिए खत्म करो कहानी। यहाँ 3 महीने के लिए सस्पेंड करा, इससे थोड़ी ना कुछ होगा। अब लोग चाहते हैं और कार्रवाई हो, और कार्रवाई हो, उसके पीछे किसका हाथ है, कौन था नहीं था। जितनी कार्रवाई होती है, जितनी ज़रूरत है उतना होना चाहिए, और जो कानून कायदे के हिसाब से होना चाहिए। मान लो लात मार दिया, ठीक है मारा तो सही है, लेकिन उसके हिसाब से वो गवर्नमेंट तय करेगा ना कि क्या करना है उसके साथ। नाम आपका? गजेंद्र यादव। बताइएगा कि ये जगह है, यहाँ पर आपने देखा था क्या, कल क्या हुआ था? हमने देखा था कल, पूरा दिन मैं एसी का काम करता हूँ, एसी फ्रिज का, पूरा मार्केट में मैं रहता हूँ, यहाँ इंदर लोग में घर घर जाता हूँ काम करने, सबके सारे लोग जानते हैं हमें। क्या कुछ यहाँ पे हुआ था कल? यहाँ हुआ था कि पुलिस वालों से, यहाँ नमाजी कोई था लेकिन वो अनजान आदमी था। अच्छा। तो उसे नहीं पता था, शायद रूल ये था कि आप यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ोगे रोड पर, तो ये दिक्कत आ गई कि उसने बेचारा गलती से यहाँ पर नमाज अदा कर दिया। क्या हुआ था कल यहाँ पे? ये है मतलब, क्या नाम है? मेरा मोहम्मद सदाब नाम है। क्या हुआ था कल यहाँ? हुआ कुछ नहीं था, जगह नहीं था अंदर में, पब्लिक ने जगह नहीं होने के कारण यहाँ पे नमाज पढ़ना अदा किया, ठीक है। गलती उन्होंने क्या किया, पुलिस वाले ने सजदे में जाते ही आते ही शुरू कर दिया मारना, आते ही मारना शुरू कर दिए, लात मुके जो भी है धक्का वक्का करना शुरू कर दिए। लगभग सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे? ज्यादा लोग नहीं थे सर, मतलब ज्यादा लोग वही थे 10-12-15 लोग थे, ज्यादा नहीं थे। आना जाना, गाड़ी आना जाना हो रही थी, गाड़ी की ट्रैफिक भी नहीं रुक रही थी, मगर आना जाना सब कुछ हो रही थी, मगर यहाँ पूरा खुला था, ये रास्ता हमारा पूरा था और ये वाला खुला हुआ था, आने जाने का रास्ता था, कोई दिक्कत नहीं थी। पूरा रोड ब्लॉक नहीं था? ये आज ही था, पूरा ब्लॉक नहीं था, पूरा ब्लॉक नहीं था। अगर एक्शन लेना चाहिए था नमाज के बाद भी ले सकते थे पुलिस वाले ने, मगर एक्शन नहीं लिया गया, तुरंत मारना शुरू कर दिए। कितने लोग लगभग यहाँ पर इकट्ठे थे?
इकट्ठे यही थे, ज़्यादा नहीं, 10 से 15-20 लोग थे। तो मस्जिद में जगह नहीं होने के कारण इसलिए पढ़ा गया। अब रमजान शुरू हो गया, रमजान में तो जगह तो मिलेगा ही नहीं पढ़ने के लिए, उसके लिए तो सुविधा चाहिए चाहिए। मतलब ऐसा हुआ था हर शुक्रवार को ही कल ही हुआ है, कभी ऐसा नहीं, जगह तो अंदर भी होता था, कल ही हुआ था ऐसा, कभी ऐसा। दिखाने की कोशिश करते हैं, ये अगर आप आगे आएंगे थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पर वो मस्जिद है, उस मस्जिद के प्रांगण में जगह बनाई गई है पूरी, इतनी भारी संख्या में यहाँ पर जो है वो जगह है कि ताकि लोग यहाँ पर नमाज पढ़ पाएं, उतनी व्यवस्था मस्जिद की तरफ से भी कराई जाती है जी। तो कितनी बड़ी लगभग ये मस्जिद है? पूरी वहाँ तक है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ से वहाँ तक देखिए आप, पूरी अंदर तक है, मगर जगह नहीं होने के कारण, अंदर भी है ऊपर भी है, नई जगह होने के कारण नमाज होती है। अच्छा जी, तो हर शुक्रवार को मतलब दो तीन बार में नमाज होती है। कल कारण इसलिए हुआ कि जगह नहीं मिलने कारण इसलिए पढ़ा गया, टाइम नहीं था नमाज का टाइमिंग नहीं था, पूरा रोड खुला था, पूरी रोड खुली थी सर, थोड़ी जगह पे इतनी जगह, बाहर के बंदे थे वो भी, जब बाहर के बंदे आते छोटे अड़ोस पड़ोस के इलाके से, वो लोग थे यहाँ पर जो ये नमाज पढ़ रहे थे आधे एरिए में, बाकी सब लोग अंदर नमाज पढ़ रहे थे। आप लोग कह रहे हैं मतलब जो नमाज पढ़ी जा रही थी वो सिर्फ जगह यहाँ पर जो है कम पड़ रही थी उसकी वजह से यहाँ पर? हाँ, थोड़ी जगह में नमाज पढ़ी थी, बाकी रोड सब खुला था, जैसे अब चल रहा है ना रोड वैसे ही चल रहा था रोड, कोई दिक्कत नहीं थी बिल्कुल भी। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये कर रहा था उस पुलिस वालों को बर्खास्त करा जाए, बिल्कुल सस्पेंड तो अभी कर दिया है उन्होंने, और एक्शन कोई नौकरी के लायक ही ना रहे वो, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग भी यहीं रहते हैं? हम तो मार्केट में काम करते हैं। कल देखा था आपने, कल क्या हुआ? हाँ, कल यहाँ पे एक पुलिस वाले से लफड़ा हो गया था, वो बता रहे थे कि जो मारपीट किए थे, हाँ तो पुलिस वाले से जब झंझट हुआ था, पुलिस चौकी पे भीड़ भाड़ था, देखा था क्या? अरे मैं पीछे की सब में नमाज पढ़ रहा था, मेरे से दो सब आगे वाले, कम से कम ये चार पुलिस वाले थे, लेकिन ये मनोज तोमर नाम का पुलिस वाले थे, जो मनोज तोमर सर ये आते हैं, बाकी पुलिस वाले प्यार से बोल रहे थे हट जाइए, लेकिन ये मनोज तोमर नाम से आते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे ही हम सजदे में जाते हैं ये लाते मारना धक्का मुक्की शुरू करते, बाकी पुलिस वाले भी थे उन्होंने ऐसा नहीं कर, लेकिन पता नहीं इस पुलिस वाले की मानसिकता क्या थी क्या नहीं थी, इन्होंने डायरेक्ट आते ही लाते चलाई, और ये तो एक छोटी सी क्लिप है सर, ये कम से कम 3-4 मिनट तक ये वाक्या चला है, वो तो गलती से एक बच्चे ने वीडियो बना ली, नहीं तो ये काफ़ी छोटी है, सिर्फ 30-35 सेकंड तो नमाज तोड़ के वो छोटी सी वीडियो बना ली, लेकिन हम नमाज पढ़ रहे थे वो तो वायरल हो गई, नहीं तो नमाज पढ़ रहे थे। कौन सी जगह? यही जगह थी बिल्कुल गेट के पास, और पूरी जगह भी नहीं गिरी हुई थी, बस 3-4 सफ़े थी, और इन्होंने इतनी बोल के कि यहाँ तक रोड घेर रखा है, जबकि ट्रैफिक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ 4-5 लड़के भी खड़े हुए थे, कहा जा रहा है पूरा रोड बनता वो नहीं था सर, बिल्कुल झूठ है, यहीं तक मैं बकायदा पीछे नमाज पढ़ रहा था सर, मैं पूरी रोड खाली थी सर, सर वीडियो दिखा देना एक बार, ये सर मैं बकायदा नमाज पढ़ रहा था पीछे, पूरी ट्रैफिक चल रही है, यहाँ पे 4 लड़के खड़े हुए थे ट्रैफिक को निकालने के लिए, फिर भी इस पुलिस वाले की क्या मानसिकता थी क्या नहीं थी, विशेष धर्म के प्रति इन्होंने ऐसा करा है सर, ये बिल्कुल जायज नहीं है। पहले कभी भी ये पुलिस वाले यहाँ पर आया था सर? बताते ये तो कॉलोनी वाले बताएंगे, पहली मरतबा हुआ ऐसा हुआ, जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उनको यहाँ पे लात मारी गई, इस बंदे का नाम क्या बताया था हमने सर? मनोज तोमर नाम है सर इनका, तोमर, तो मनोज तोमर पे करीबन 50 सालों से मस्जिद है, फिर भी आज तक हमारे यहाँ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, ये आपस में मिल बांट के रहते हैं, हिंदू मुसलमान आपस में प्रेम भर के रहते हैं, लेकिन पता नहीं सर ये पुलिस वाले की क्या मानसिकता थी क्या थी, इनके वजह से पूरा माहौल खराब हुआ। आप कभी रोड पे किस नमाज पढ़ी तो किसी ने रोका था ऐसा? सर ये हम 30 साल से रहते हैं यहाँ पे माशाल्लाह, पहले ये दोनों रोड बंद होते थे, पहले बंद होते थे, परमिशन थी हमारे पे इनसे, तो लॉकडाउन जैसी हुआ ना तो 2-3 जमातें होने लगी इस मारे, ठीक है, 2-3 जमातें होने लगी इस मारे, हम ग्राउंड में पढ़ते थे नमाज, ठीक है, तो कल हर बारी ग्राउंड में हो रही थी जुम्मे को, कल इत्तेफाक वो आए उन्होंने यहाँ तक बिछा ली सफ़े, उनके दिल में पता नहीं क्या था, आते लात वात, 2 मिनट की नमाज होती है, उसके बाद हमें समझाते, एक्शन लेते, उन्होंने नमाज पढ़ते में गलत करा सर, नमाज के बाद बोल सकते थे, नमाज के दौरान ये नहीं करना चाहिए। हाँ, हम अल्लाह से लो लगा रखी हमने, वो नमाज पढ़ते में लात मार रहा है, बताओ कैसा होगा, आप खुद ही बताओ कितनी गलत बात है, सज्दे में जाके
जब वो वीडियो सामने आई और उसके बाद शाम को फिर क्या हुआ था यहाँ पर? शाम को भी क्या लोग सड़कों पर लोग उतर के आए थे सामने? जी रोड जाम कर रखे थे बिल्कुल। फिर दो फिर ऐसी थी कि हजारों मुसलमान सड़कों पे थे माशाल्लाह। हाँ पूरे घर उसे निकल। हम माहौल खराब नहीं करने जाते थे, बस हम ये दिखाने जा रहे कि हमारी सुने जाए कार्रवाई और उसके बाद सरकार ने कार्रवाई ली। अगर हम ये रोड जाम नहीं करते तो इस पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि सर ये हमेशा करते हैं ऐसा। हम चाह रहे हैं कि इस पे कार्यवाही हो रही है पूरी दुनिया में। पर कुछ ही घंटों के अंदर जो डीसीपी ने एक्शन लिया, आप लोगों को लग रहा है कि बहुत काबिले तारीफ है कि कुछ तीन महीने के लिए सर सस्पेंड क्या करना? करना तो पूरे जिंदगी के लिए बरसात करो ना, जो कि दूसरे पुलिस वालों को पता लगे, दोबारा ड्यूटी पे कभी ना लौट पाए। कभी चाहे हम भी प्रेयर करते हैं, हमारे हिंदू भाई भी प्रेयर करते हैं कि ये किसी को ऐसे कर ना सके। ये इंडिया है, आपस में प्यार मिल के रहते हैं, सभी धर्मों का सम्मान होता है सर। आप लोग लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या मांग कर? मैं क्या मांग करूँ, तुम गलत बात है जो बात है। तो देखिए कई लोग जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जिन लोगों ने खुद यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने देखा, तो उन्होंने यही बताया कि नमाज यहाँ पर सिर्फ कुछ एरिया पे जो सड़क के पड़ी जा रही थी, बाकी जो रास्ता है वो पूरा खुला हुआ था। उसके बावजूद जो उस पुलिस वाले ने किया, इन लोगों की मांग बस ये थी कि अगर वो पुलिस वाला कुछ देर रुक जाता, समझा देता, बाद में वो हट जाते तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होती। पर अब इन्होंने जो ये किया उसकी उसको सजा मिली। आगे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे जी, क्या नाम? हाँ ये क्यों पब्लिक को इकट्ठा करके? पब्लिक को इकट्ठा नहीं कर, मैं तो अपनी वीडियो शूट कर रहा था, ये लोग तो बीच में आए। मेरे भाई क्या नाम? शकील नाम है मेरा। वो अच्छी खासी नमाज पढ़ रहा था वहाँ पर, और यहाँ जब थर्सडे में बाजार लगता है उसको पुलिस वालों को नजर नहीं आता है? जब थर्सडे बाजार लगता है तो यहाँ ट्रैफिक जाम होता है, जब पुलिस वालों को नजर नहीं आता वो साइड में नमाज पढ़ता है उसके टक्कर मार दी। इसको हम मेहरबानी करके बंद, सही है सस्पेंशन? हाँ सही है, आप इसे बंद करो मेहरबानी करके। आप क्या साबित करना चाहते हैं? तो कह रहे कि जो हुआ वो बताइए आप लोग की, मतलब आखिर जो होना था वो हो गया। बस बड़ी मेहरबानी, आप आ जाइए। यहाँ 48 साल हो गए इस कॉलोनी जो बसे में, और अमन शांति है। अगली बार ऐसा ना हो इसलिए। हाँ नहीं अगली बार नहीं होगा, और अभी डीसीपी साहब आए हैं, बड़ी मीटिंग चल रही है हमारी, और चलो सब हमारे भाई हैं, समझे ना, हिंदुओं सिख ईसाई है, किसी के साथ ना हो। जैसे आपकी प्रेयर को डिस्टर्ब हुआ, हिंदुओं की भी नहीं होनी चाहिए, किसी की भी नहीं होगा, यहाँ सब मिलके रहते हैं हम। क्या गलती मान ली उसने, बस और इससे ज्यादा क्या होगा? बस माफी से बड़ी सजा नहीं, और कराली से बड़ी क्राइम नहीं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप मेहरबानी, स्थानीय लोगों की यही बात दिखा रहे थे, लोगों का यही कहना है कि हम लोग तो सौहार्द चाहते हैं, चाहे हिंदुओं की प्रेयर हो या मुस्लिमों की प्रेयर हो, सब लोगों के साथ मिलकर ही जो है वो देश चलेगा, हिंदुस्तान की यही पहचान है। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।